तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिप्ला के स्टॉक के बारे में। सिप्ला के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद से अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको स्टॉक में हाईर हाई हाईर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.01% की यहाँ पर एक मामूली गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से भी अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर अभी स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक है 1515 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखना मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1582, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1650, देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1700, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1800 और 1900-2000 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ सब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक है 1463 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1422 और 1356 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग्स ना नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।